खुदा का नाम लेने वाला एक बंदा भी बड़ा खतरनाक होता है। मैं क्या करूं आका, खुदाई कुवत और इंसान का ईमान खुदा के किसी न किसी बंदे के सीने में महफूज रहता है। मलिका हैरान, ये राम ले जा। आका सामरी, इस राग का मैं क्या करूं? ये राम एक इंसानों को गुमराह करेगी और उनके दिलों में शैतानियत के बीज बोएगी। शैतानियत के बीज? हाँ, शैतानियत के बीज। यानी ईर्ष और लालच, जिनसे सारे गुनाह पैदा होते हैं। जब खुदा के बंदे गुनाह पर गुनाह करेंगे, तब शैतान और शैतानी पौधों की ताकत और उनकी उम्र लंबी हो जाती है। जहां इस राह के जरिए तू खुदा दोस्त इंसानों को शैतान का दोस्त बना दे, ताकि वो गुनाह के रास्ते पर चलने की तमन्ना करे, इस राह को दिल से दुनिया में बिखेर दे और इंसानों के दिलों में शैतानियत की आग भड़का दे। जलाल, मुझे ये दुनिया बड़ी ही खतरनाक लग रही है। पता नहीं शैतानी दुनिया में कब, कौन, कैसी बला के घेर ले। शायद तुम्हें मौत से डर लग रहा है। नहीं जलाल, तुम्हारे मिल जाने के बाद मुझे मौत से डर नहीं लगता। फिर किस बात का डर है तुम्हें? यही कि कहीं तुमसे बिछड़कर मौत ना आए। मुझे मौत इस तिलिस्मी दुनिया में आए या हमारी उस दुनिया में, अब बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं आखिरी सांस लूं तो तुम्हारी बाहों में लूं। बेंजामिन, तुम्हारा डर बिल्कुल सही है। इस तिलिस्मी दुनिया में हमारे बिछड़ जाने का डर हर कदम पर है। मेरे पीछे मुझे भी तुम्हारी सलामती का ख्याल सताता रहेगा, इसलिए मैं ये तावीज तुम्हें दे रहा हूं। ये तावीज खुदा के हुक्म से हर बला और आफत से तुम्हारी हिफाजत करेगा। लो। शुक्रिया। ध्यान रहे, इस तावीज को अपने से कभी जुदा ना करना। जलाल, तुम्हारा तावीज हर वक्त मेरे वजूद के साथ रहेगा, जैसे तुम्हारा ख्याल हर वक्त मेरे दिल में समाया रहता है। आका, ये इश्क मुसीबत में भी सर चढ़कर बोलता है। परिंदे, आशिक और माशूक के दरमियान कभी बोला नहीं करते। हट शैतान।
ये तो अम्मी और अबू के जूते हैं। हाँ भाईजान, मगर मगर अम्मी और अबू तो कहीं नजर नहीं आ रहे। पुलिस में जूते मिल गए तो आपके वालदेन भी मिल जाएंगे आका। हाँ आका, चलिए हम उस ठिकाने पर चलते हैं जहाँ ये पुलिस में जूते रखे हुए हैं। नहीं जीने दौलत, मैं पुलिस में दुनिया के कोने कोने से वाकिफ हूँ। मैं अपनी आंखों को सही रास्ता दिखाऊंगा। मेरा परिंदा ठीक कहता है दौलत, तुम और यासर मैं जबीन और हुसनारा की निगरानी करूँगा। हाँ भाईजान, यही मुनासिब है। हम और आप अम्मी और अबू की तलाश में निकलते हैं। चलिए मैं भी चलूंगा। हाँ मेरे दोस्त भी तुम्हें, तू भी हमारे साथ जरूर चलेगा। चलिए भाईजान। सामरी की दी हुई तिलस्मी राख, मैं मलिका हैरत अलातुल अलातुल हूँ। एक ये सब मेरी सल्तनत है, मेरी हुकूमत है। यहाँ मैं शैतान के नाम से हुकूमत करती हूँ और उसी के नाम से तुझे हुक्म देती हूँ कि जा, नेक इंसान के सर पर जा, उसके घर पर जा। तिलस्मी राख, अपना असर दिखा, इंसानों में सोए हुए शैतानों को जगा, उन्हें दौलत का लालच दे, वैश्यों का गुलाम बना, नई नई शैतान बना। तिलस्मी तोते के हुक्म को मेरा हुक्म समझो और उस हुक्म की तामील करो। शाबाश जिन्हें हवाबाज, शाबाश। तिलस्मी परिंदे, आखिर तुम हमें ले जा कहां रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं आका, मगर मैं जाने क्यों मुझे सारा इलाका देखा वाला लगता है। जिन्हें हवाबाज, अब कालीन को बाएं मोड़ो, बाएं गली आएगी। तुम हमें इस दुनिया में कदम कदम पर रास्ता दिखा रहे हो और मुसीबतों से हमें बचा रहे हो, उससे तो यही जाहिर होता है कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो। मुझे तो लगता है कि तुम इस तिलस्मी दुनिया के रहने वाले हो। मुझे पता नहीं आता, मैं खुद आ रही हूँ। ऐसे रास्ता बता रहे हो जैसे यही के रहने वाले हो। हाँ का, कहने को तो मैं परिंदा हूँ, मगर इसी तिलस्मी दुनिया का बाशिंदा हूँ। तुम बड़े अजीब परिंदे हो, तुम्हारा वजूद हमारे लिए एक राज है। इस राज से पर्दा क्यों नहीं उठाते तुम? इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, वक्त खुद इस राज से पर्दा उठा देगा। अच्छा भाई ठीक है, अब तो चले। Thank you.
लेकिन इसमें जूते कहाँ हैं? हाँ भाईजान, इसमें जूते तो कहीं नजर नहीं आ रहे। आका आगे तो बढ़िए, उस बड़े पत्थर के करीब चलिए। माँ बाप के पैरों में थे, तुम हमसे अलग कैसे हो गए? आखिर हमारे माँ बाप कहाँ है? अंगूठी की इस तिलस्मी दुनिया में आने के बाद हमारे आका कासिम और जमीला तरह तरह के आपदा और मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए थे। क्या मतलब? वो खैरियत से तो है? हमारे माँ बाप जिंदा सलामत तो है ना? उनकी जिंदगी बचाने की खातिर ही हमें अपने आका से अलग होना पड़ा। किससे खतरा था उनकी जिंदगी को? मलिका हैरत से। मलिका हैरत से? ये मलिका हैरत कौन है? इस तलीस में तो नहीं है यार, मक्का जादू करनी मलिका। तुम मलिका हैरत को भी जानते हो? हाँ, मलिका हैरत को मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा जानता हूँ। मलिका हैरत के जुल्म और सितम से कासिम और जमीला को बचाने के लिए जैसे हम उनके पैरों से निकले, मलिका हैरत ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया। क्या? उस बदमिजाज मलिका की ये मजाल कि उसने हमारे माँ बाप को अपना गुलाम बनाया? आका, वो जालिम मलिका कासिम और जमीला से मेहनत मशक्कत करवा रही है, अपने लिए नया महल बनवा रही है। अफसोस, हम अपने आका की कुछ मदद नहीं कर सकते। यहाँ छुपकर उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। अब तुम्हें फिक्र अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस में जुटो, मलिका हैरत का जनाजा धूमधाम से उठाने के लिए हम आ गए। देख परिंदे देख, मलिका हैरत का वो महल कहाँ है जहाँ हमारे माँ बाप मैंने मशक्कत करने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं? देख, चलो भाई रहीम, आज की रोटी का इंतजाम तो हो ही गया। हाँ करीम चाचा, अल्लाह बड़ा बादशाह है, वो हम जैसे गरीबों को भूखा तो उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। अल्लाह ने चाहा तो आज बाजार में इन लकड़ियों के अच्छे पैसे मिल ही जाएंगे। इंशाअल्लाह, लेकिन जरा जल्दी करो चाचा, घर में तुम्हारी बूढ़ी। बूढ़ी किसको कहता है? चाची कहो चाची। अरे हाँ, घर पे चाची और मेरे बीवी बच्चे भूखे पेट इंतजार कर रहे होंगे। चलो चलो चलो। इंतजार तो हम भी बड़ी देर से कर रहे थे तुम्हारा। कौन है आप लोग? अरे आप और हमसे क्या चाहते? तुम हमें नहीं जानते? नहीं, हम शैतान के रिश्तेदार हैं। अरे मैं शैतान का खालू हूँ। और मैं शैतान का बाबू हूँ। मगर आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि तुम दोनों लकड़ियों का बोझ उतार कर नीचे रख दो और तुम दबाकर यहाँ से भाग जाओ। नहीं, ये हमारी लकड़ी है, हमने जंगल से काटी है। हमने बड़ी मेहनत से लकड़ियाँ बेचने के लिए जमा की है। और हम बड़ी मेहनत से इसे उठा के ले जाएंगे। खुदा से डरो, हम गरीब के पेट पर लात न मारो। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे। उठाओ डंडे। अरे कैसे डरो, चलो। Ha 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 ha
नहीं, अगर सुबह से अब तक हम गरीब लकड़हारों से कई मन लकड़ियां छीन चुके हैं। हमका हैरत हमारे शैतानी कारनामे से जरूर खुश होंगी। शैतान शैतान शैतान, देखा कसामरी मैं कैसे तेरे कामों को आसान बना रही हूँ, अच्छे खासे नेक इंसानों को शैतान बना रही हूँ। ये सब तेरे कदमों की खाक का असर है, ये सब तेरे तिलिस्मी रख का असर है। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान भाई। कौन है भाई, माफ करो। हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हम मलिका हैरत का लिबास बना रहे हैं। आप दोनों ने मुझे पहचाना नहीं, मैं खातून हूँ। खातून? कौन खातून? खातून तो हर औरत होती है, और अगर तुम खातून हो तो कौन सी अफलातून हो। मैं आपके मरहूम दोस्त की बीवी हूँ कुर्बान भाई। मरहूम दोस्त? खैर छोड़ो, काम बताओ, चाहती क्या हो। मैं अपनी वो 2000 दिनार वापस लेने आई हूँ, जो बुरे वक्त के लिए बतौर अमानत आपके पास रखे थे। क्या 2000 दिनार, वो भी तुम्हारे? मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अय्यार मक्कार, चालाक अजनबी औरत, आज से पहले कभी हमने तुझे देखा नहीं, कभी तेरा नाम सुना नहीं, और तू आई है 2000 दिनार का दावा करने। कैसी बात कर रहे हैं कुर्बान भाई, वो 2000 दिनार जो मैंने खुद अपने हाथ से आपके पास रखे थे, याद कीजिए। बेवा बेसहारा औरत पर ये जुल्म न कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं, तुम किन दिनारों की बातें कर रही हो। खुदा के वास्ते मेरे यतीम बच्चों पे तरस खाइए, 2000 दिनार के लिए अपना ईमान खराब मत कीजिए। अब जाती है, बुलाऊं काजी शहर को, बड़ी आई ईमान वाली। जरा अपनी शक्ल और हालत तो देख, 2000 दिनार कभी ख्वाब में भी देखे हैं? या अल्लाह, क्या हो गया है शहर के लोगों को, दिलों में शैतान बस गया है। देखी मेरी चोरी और सीना जोरी। इसे कहते हैं अमानत में खयानत, बैठे बिठाए 2000 दिनार मिल गए। हैरत, हैरत। चलो चलो कहिलो, चलो काम करो। सालिमो, प्यासों को पानी तो पिला दो, दो बूंद। ये लो। चलाल बेटे,